तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में LT शिक्षा भर्ती के रिगार्डिंग काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या इस साल भर्ती आ पाएगी या नहीं, और आल्ट वालों का रिजल्ट आएगा कि यहाँ दोबारा एग्जामिनेशन होगा करके काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखिए आल्ट वालों का अभी हाल ही में एक अपडेट जारी हुआ है, जिसमें यहाँ पर आपको मैं क्लियरली बता दूँ कि यहाँ पर जो है आयोग के अनुसार बताया गया है कि न्यूज़पेपर में जो बताया गया था कि आपका जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आ सकता है, और ऑलरेडी यहाँ पर रोक लग चुकी थी आपकी, और BEd कैंडिडेट को फिर से मौका मिलेगा, फिर से आपका जो है यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आवेदन फॉर्म फिर से फिल कराए जाएंगे आपके, और जो कैंडिडेट ने अभी हाल ही में BEd करा होगा उनको भी मौका मिल सकता है इस भर्ती में, ऐसा यहाँ पर खबर निकल के आ रखी है। और परीक्षा दोबारा होने के चांसेस बताए जा रहे हैं, फॉर्म फिर से दोबारा फिल होने के चांसेस बताए जा रहे हैं, अक्टूबर में इसका फॉर्म फिल हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बताया गया है अगले जो अक्टूबर आने वाला है इस वाले में। ठीक है, उसका रिजल्ट आएगा पीजी पेपर के बाद से, यानी कि पूरे पूरी जो प्रोसेसिंग है आल्ट वालों का दोबारा से होना है, और BEd वाले को ही एलिजिबल रखा गया है, नॉन BEd को इसमें हटा दिया गया है। अब बात करते हैं कि भाई उत्तराखंड में LT के बहुत सारे पोस्ट खाली हैं, क्या भर्ती इस साल आ पाएगी, अगले साल 2024 में चुनाव है, कई लोग कमेंट कर रहे थे। देखिए दोस्तों, भर्ती का आने का सिर्फ एक ही चांस है कि यहाँ पर अगर मांग करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो LT भर्ती आ जाएगी इसी साल लास्ट में देखने को मिल जाएगा, और नहीं तो सरकार की बस की नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा, रियलिटी में आपको देखने को शायद ना मिले भर्ती, क्योंकि यहाँ पर पदों का अध्याचन है या जो प्रोसेसिंग है वो सब पेंडिंग में है, कुछ भी नहीं हो रखा है शिक्षा विभाग में। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो है इस साल तो मुश्किल ही होगी, अगर आंदोलन आंदोलन करेंगे, मांग करेंगे तो क्या पता आ जाए, नहीं तो सीधी सीधे अगर खाली बैठने से इस साल भर्ती नहीं आएंगी। हाँ, प्रवक्ता की आने की चांसेस हैं, उसके लिए अगर थोड़ा जोर लगाओगे तो अगले महीने क्या पता निकल जाए, नहीं तो वो भी लास्ट महीने, इस साल के लास्ट लास्ट में क्या पता निकल जाए, हो सकता है इस साल के लास्ट में ना निकले तो क्या स्टार्टिंग में निकल जाए। ठीक है, कई लोग सोचेंगे कि 2024 स्टार्टिंग में LT निकल जाएगा मार्च अप्रैल तक, लेकिन LT का कुछ कह नहीं सकते कि LT मार्च अप्रैल में निकलेगा, अगले साल निकलेगा भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन पद तो खाली हैं, अब उनको यहाँ पर गेस्ट भरे जा रहे हैं कुछ, अब बाकी जो आपको पता ही है किस तरह का हो रहा है, स्थायी भर्ती आना थोड़ा मुश्किल काम है अभी वर्तमान समय में, जो हालात अभी शिक्षा मंत्री ने दिखाए हुए हैं उसके अनुसार। ठीक है, बाकी अगर मांग करते हो तो अलग बात है, अगर आ जाएगी, अगर मांग करोगे तो दबाव डालना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है, अन्यथा थोड़ा दिक्कत हो सकती है यहाँ पर।